दोस्तों, पुरुषों या बच्चों में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के असंतुलन के कारण स्तन के टिश्यूओं में सूजने को गायनोकोमेस्टिया अर्थात पुरुषों में स्तनों का बढ़ना कहा जाता है। पुरुषों में स्तन के टिश्यू बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि स्त्रियों में किशोरावस्था से ही इस हार्मोन के प्रभाव से अच्छी तरह से ये विकसित हो जाते हैं। कभी कभी पुरुषों में स्तनों के बढ़ने पर निपल्स का आकार बदलता है और स्त्रियों जैसे बन जाते हैं। हालांकि ये स्त्रियों जैसे बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी आकार में परिवर्तन होने के कारण ये शर्मनाक स्थिति पैदा करते हैं। इससे हार्मोन इम्बैलेंस की संभावना का पता चलता है और ऐसे में चिकित्सा की आवश्यकता होती है। गायनेकोमेस्टिया के लक्षण और कारण क्या हैं और इसको कैसे ठीक किया जाता है, आइए जानते हैं। छाती फूलना, स्तन ग्रंथि के टिश्यू में सूजन, ये किसी एक निप्पल में या दोनों निप्पल्स में हो सकती हैं। स्तन टिश्यू में आकार में परिवर्तन होने के कारण इंटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें दर्द होता है। ऐसे में निप्पल से द्रव भी आ सकता है। किशोरावस्था में निप्पल का बड़ा दिखाई देना, मूछे या शरीर के बालों में भी बदलाव हो सकता है। स्त्री व पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही यौनांगों का विकास और रखरखाव होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुषत्व जैसे मसल डेंसिटी और शरीर में बालों का विकास होना, वहीं स्त्रियों में एस्ट्रोजन के कारण स्त्रीत्व जैसे स्तन आदि का विकास होता है। पुरुषों में एस्ट्रोजन की अपेक्षा टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी होने से गायनोकोमेस्टिया होता है। हार्मोन का असंतुलन कई कारणों से बिगड़ सकता है। ये कारण प्राकृतिक हार्मोन का परिवर्तन, दवाइयाँ या कुछ शारीरिक अवस्थाएं भी हो सकती हैं। कुछ रोगियों में कई बार गायनोकोमेस्टिया का कारण पता नहीं लग पाता है। इसके अलावा मोटापा, शराब से लीवर फेल होना, सिरोसिस होने पर हाइपोगोनाडिज्म अवस्था, ट्यूमर, हाइपरथायरॉयडिज्म व कुछ प्रकार के दवाओं से भी गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। कुछ एक्सरसाइजेस का नियमित अभ्यास करने से पुरुषों में बड़े हुए स्तनों की समस्या से निपटा जा सकता है। शरीर को ताकत देने वाली व चेस्ट व शोल्डर को बेहतरीन शेप देने वाली पुशअप्स, चिनअप्स आदि एक्सरसाइजेस, वहीं चेस्ट की चौड़ाई को बढ़ा देने वाली डंबल फ्लाइज एक्सरसाइजेस तथा बेंच प्रेस एक्सरसाइजेस आदि, आप इन एक्सरसाइजेस को करके अपने चेस्ट की शेप को सुधार सकते हैं। सामान्य ग्रंथियों के ऊतक और वसा की वृद्धि ही गायनोकोमेस्टिया होती है। लिपोसक्शन की मदद से स्तनों को पुरुषों जैसा सामान्य आकार दिया जाता है। ऐसा करने के लिए अतिरिक्त वसा को इस स्थान से निकाल दिया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया निप्पल और परिवेश के नीचे की कठिन ग्रंथियों के ऊतकों के लिए उतनी प्रभावी नहीं है। ज्यादातर मामलों में लिपोसक्शन की मदद से निप्पल्स के किनारों पर चीरे लगाकर अतिरिक्त ग्रंथियों के ऊतकों को हटाने का काम किया जाता है। जब पुरुषों में स्तन वृद्धि के कारण त्वचा खिंच जाती है तो अतिरिक्त त्वचा को हटाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा पुरुष स्तनों के आकार को कम करने के लिए लिपोसक्शन को लोकल एनेस्थीसिया की मदद से भी किया जाता है।